अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। जिन जिन घरों में परेशानियाँ हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। चलें चलते हैं आज के डे की तरफ। ये हमने मॉर्निंग वॉक के बाद हम वापस आ रहे थे, तो मैंने वापसी की क्लिप बना लिया। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। चलिए लेकर चलते हैं आपको किचन में। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ज़रदा राइस। बच्चों को बहुत पसंद हैं, तो ये हमने एक गिलास चावल लिए थे। इनको हमने कलर डाल के बॉयल कर लिया। कलर आप अपनी मर्ज़ी से डार्क करना चाहें डार्क कर लें, हमने थोड़ा सा डार्क ही कलर रखा था। दूसरी तरफ हमने बॉयल कर लिए थे चावल, और एक कढ़ाई में हमने ऑयल डाला। उसमें हमने दो छोटी इलायची, 3 से 4 अदद लौंगी, उनको कड़कड़ाया। हमारे पास एक गिलास चावल थे, एक गिलास से थोड़ा सा कम हमने चीनी ली, और हम इसमें 1 कप के करीब हम दही ऐड करेंगे। दही हमने मैश नहीं करना, इसको कर्ड फॉर्म में ही रखेंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी डाला, इससे ज़्यादा हम पानी नहीं डालेंगे। हम इसका शीरा तैयार करेंगे। शीरा रेडी हो जाएगा तो फिर हम इसके बाद, ये देखें, इनको हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया था। चीनी हमारी अच्छी तरह से मैश हो चुकी है, और ये देखें बॉइलिंग टेम्परेचर पे आ चुकी है। ये देखेंगे हम, जब अच्छी तरह हमारी चीनी मैश होगी तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे राइस। चावल हमने थोड़े से डार्क कलर में रखे थे, बच्चे डार्क कलर ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइट कलर के चावल बच्चों को पसंद नहीं है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या अपनी आँखों को जो आपको अच्छा लगता है कलर, वो ऐड कर लें। हमने इसमें अब राइस शामिल करेंगे। ये हमारे पास चावल हैं, ये हमने इसमें शामिल कर दिए। इनको मिक्स किया अच्छी तरह से, और हमारे पास जो ड्राई फ्रूट थे वो हमने डाले। हमने किशमिश, बादाम और नारियल डाला है। आप चाहें तो इसमें अशरफियाँ शामिल कर सकते हैं, रसगुल्ले वगैरह शामिल कर सकते हैं, खोया शामिल कर सकते हैं। हमने सिंपल ही रेसिपी आपको दे रहे हैं। 5 से 7 मिनट हमने दम दिया, उसके बाद हमारे चावल रेडी हो चुके थे, जो कि बहुत ही मज़े के लग रहे थे और खाने में भी बहुत ही मज़े के थे। ये हमने डिश आउट कर लिया। चावलों की लुक बहुत ज़बरदस्त आई है, जिस तरह देखने में लग रही हैं इस तरह ही खाने में। मेरे बेटे की सालगिरह थी, हमने कोई केक शेक ऑर्डर नहीं किया, हमने सिर्फ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और ब्राउनीज मंगवाई थी, और हमने ये बच्चों के साथ इंजॉय किया। इसके साथ दीजिए इजाज़त, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।